विकसित भारत संकल्प यात्रा, भाई साहब थोड़ा कम करिए। और मोदी की गारंटी पूरे देश भर में चल रही है, चाहे गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए, योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कैंप लग रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी वहाँ पे हैं, वो आयुष्मान भारत का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ कार्ड भी वितरण कर रहे हैं। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के जो बच्चे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको भी वितरण कर रहे हैं गैस का चूल्हा। उसी के साथ साथ आपने यहाँ पे स्वनिधि के माध्यम से चेक का भी वितरण हो रहा है। अनेकों जो लाभ है यहाँ देने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है जिन्होंने गरीबों के बीच में जा कर के उनके लिए योजनाएं, उनको लाभ देने का काम कर रहे हैं। पहले तो योजनाएं बनती थी कांग्रेस के समय में, लेकिन योजना कहाँ होती थी वो पता ही नहीं है। ले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जो योजनाएं बन रही है, उनका एक एक पैसा लोगों के अकाउंट में जा रहा है, एक एक रुपये लोगों को लाभ मिल रहा है। इसीलिए तो इस गाँव में भी सब मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। उनको सबको लगता है कि मोदी तो हमारे परिवार के ही हैं। अगर कोई हमारा कोई कल्याण कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा सवाल यह है कि डिंपल यादव कह रही हैं कि अगर हमारे पास राम जन्मभूमि के उद्घाटन के लिए निमंत्रण आएगा तो हम लोग जाएंगे, आपका क्या कहना? नहीं सर, देखिए भगवान राम सभी के लिए आराध्य है, सभी जाकर के पूजा करेंगे ही करेंगे, कोई उसमें क्या दिक्कत, सबको जाने चाहिए। और साहब राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई के लिए 62 किलोमीटर की यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकालेगी, कांग्रेस का भी क्या कहना? अरे पहले भी यात्रा निकाले थे ना, अभी हम 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, वो यात्रा निकालने दीजिए। यात्रा निकालने से कोई लाभ नहीं होगा। जब मन में खोट होगा, अगर राहुल गांधी जी को देखना हो तो ये मोदी की गारंटी और भारत विकास संकल्प यात्रा देखे, किस प्रकार से गरीबों को, किसानों को यहाँ पे लाभ मिल रहा है। धन्यवाद। राहुल गांधी से मिले हैं, राहुल गांधी दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया के यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है ना, तो ऐसे समाज को डिवाइड। हाँ कि बीजेपी और मोदी जी गारंटी जो है वो सर आयुष्मान योजना जो कार्ड है उसमें सर जो राशन कार्ड का यूनिट के साथ चल रहा है, राशन कार्ड के 6 यूनिट जिनके होंगे उनका कार्ड बनेगा सर, अपर कास्ट जो है खास तौर पर नहीं ये सबको लाभ। 2024 में ये सुनिए, नहीं कुछ नहीं, देश में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा यह मान के लिए, लेकिन इसका एक फेजेज होता है ना, एक दिन के अंदर सब कार्ड तो मिल नहीं सकता। सुनो तो भैया, इसलिए उनको भी ऐसा है, सरकार को जानकारी है, उनको भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। अब वो छः लोग हैं वो क्राइटेरिया हट गई है, वो सीनियर सिटीजन में सबको मिल रहा है धीरे धीरे करके। ये मोदी की गारंटी है, आने वाले समय में 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, आयुष्मान भारत का कार्ड का।